मांग ये है जी कि बाखड़ा को पानी दिया जा सकता है सरंद नहर से जरिए। आज तक इन्होंने बाखड़ा को मारा है, जबकि राजस्थान नहर की तो मजबूरी है, निर्माण हो रहा है, लेकिन बाखड़ा को सरंद के जरिए बंदी में पानी दिया जा सकता था, लेकिन ये अधिकारियों की सरकार की इच्छा शक्ति ना होने के कारण बाखड़ा को लगातार मारा गया। एक तो ये मांग है कि अभी भी बाखड़ा को जब तक 20 तक बंदी है, सरंद के जरिए कम से कम 1000 क्यूसेक पानी दिया जाए, और दूसरी मांग जो गंदे पानी के नाम पर पानी को फ्लश आउट करना है पाकिस्तान में, हमारी मांग ये है कि पेयजल की पाइपें बंद करवा के और इसी पानी को खेतों में लगाने दिया जाए, ये बेवक्त की बंदी ना ली जाए। इन दो मांगों को लेके वहाँ पड़ाव डाला गया। अगर सरकार, ये अधिकारी विभाग और सरकार मानते हैं तो ठीक है, नहीं इस पड़ाव को बेमियादी कर दिया जाएगा और ये दिन रात लगातार चलेगा, और अगली काल जल्द ही इसी जगह हजारों की संख्या में किसानों की दोबारा से फिर देंगे। सिंचाई विभाग का कहना है कि रिलाइनिंग का काम चल रहा है, इसलिए 20 तारीख तक पानी हम दे नहीं सकते, इस पर क्या कहेंगे? झूठ बोल रहे हैं, रिलाइनिंग का काम चल रहा है राजकेनाल का, IGNP का, जबकि सरंद में तो पानी ऑलरेडी चल रहा है, और 18 जून से पंजाब ने धान की फसल लगाने का आदेश किया है, तो 18 जून से पहले तो पंजाब पूरा पानी नहीं ले रहा, तो इसलिए सरंद के जरिए 18 जून से पहले तो इनको पानी दिया जा सकता है। विभाग गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। पानी चोरी जो हो रही है पंजाब के अंदर कहें चाहे राजस्थान की बात करें, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, पानी चोरी गंगानाल में भी हो रही है, सरंद में भी, बाखड़ा में जो पानी आ रहा हो रही है, लेकिन वो रोकेगा कौन? रोकेगा सरकारें और विभाग, लेकिन आज तक एक भी उदाहरण ये नहीं दे सकते उन्होंने पानी चोरी रोकने की कोशिश तक की हो। ये कोशिश तो करें, हमने गंगनहर में कोशिश की है और पानी चोरी रोकी है, ये यहाँ भी कोशिश करेंगे तो पानी चोरी रुकेगी। और बादरा में पानी चोरी होती है, लेकिन जैसे गंगानगर में अभियान चला है वैसा हनुमानगढ़ के किसानों ने नहीं चलाया, इस पर क्या प्रेरणा स्वरूप आप कहेंगे? देखिए, हम एक संगठन के प्रतिनिधि हैं, हमारा संगठन पूरे राजस्थान का है, केवल गंगानगर का नहीं है। हम आज यहाँ कई दिनों से आए हैं और गांव में भी प्रयास कर रहे हैं, हम यहाँ भी टीमें बनाएंगे और गंग कैनाल की तरह टीमें बना के यहाँ भी पानी चोरी रोकने के पूरे प्रयास करेंगे। एंड बाखड़ा के किसानों को लगातार 3 साल हो गया नरमे की बिजाई से वंचित रखा जा रहा है, और बंदी के नाम पर सही काम नहीं किया जा रहा, जबकि बाखड़ा को सिरहंद के रास्ते पानी दिया जा सकता है, हमारे पास जगह है, उसका अल्टरनेटिव है, लेकिन उस अल्टरनेटिव को ना अपनाते हुए इनको पानी नहीं दिया जाता। अब जब पानी आने की उम्मीद हुई थी तो तभी इन्होंने NGT का बहाना लेकर 13 से लेकर 20 तारीख तक पानी को फ्लश आउट का बहाना बनाकर पाकिस्तान निकाल रहे हैं, जो बिल्कुल अव्यवहार्य है। वो पानी फ्लश आउट करना है, उस पानी को हम खेतों में लगा सकते हैं। सरकार फौरी तौर पे PHD विभाग को निर्देशित करे कि 10 दिन तक आप पानी वाटर वर्क्स में नहीं डालोगे, किसान सिंचाई कर लेंगे, दो ओडे नरमे की बिजाई हो जाएगी, अन्यथा गंगानगर का और बाखड़ा का और गंगनाल का और IGNP का किसान बुरे हाल हो जाएगा। मैं चुका हूँ, आप लोगड़ हेड पर जाके आइए, मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करके आया हूँ, सरंद के रास्ते 800 क्यूसेक पानी आ सकता है, यानी कि बाखड़ा को 15 दिन बंद रख के 7 दिन चलाई जा सकती है। अब पूरी 23 मार्च से बंदी है, तो 23 मार्च से बंदी ना लेकर अगर अप्रैल में पानी छोड़ देते, आज तक बाखड़ा सिस्टम में दो बारियाँ लग चुकी होती और दो बारी की बिजाई हो जाती होती है। कहते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, जब किसान खेत की बात होती है तो 2 स्टेट का मामला है, मैं कहूँ जब 5 स्टेट का मामला हो है तो भारत के किसान का मामला ना हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते, इच्छा शक्ति नहीं है। उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है, जो काम बिल्कुल ठप पड़ा था वो शुरू हुआ है, लगातार पाइपें उखाड़ी जा रही हैं। अब पंजाब सरकार ने और राजस्थान सरकार ने 20 मई तक का समय मांगा है, 20 मई को IGNP की बंदी खत्म हो जाएगी, जो स्टाफ IGNP में लगा हुआ है वो सारा फ्री हो जाएगा, उसके बाद अभियान दोबारा चलाएंगे और राजस्थान क्षेत्र में हम चला ही रहे हैं। तो ये हमने तो करवाना है, हमारे नौकर हैं ANJN XNSC, हमने नौकरों से काम करवाना है, हम मालिक हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम उनको तनख्वाह देते हैं, तो हमने नौकरों को निर्देशित किया। अब नौकर जो है हमारे वो पंजाब जाएंगे, पंजाब वाले से बात करेंगे, और जो पंजाब में पाइपें नजायज लगी हुई हैं नहर के अंदर वो उखाड़ेंगे, और कुछ उखड़ भी रही हैं, कुछ उखाड़ी भी है पहले। और राजस्थान में जो हमारा सिस्टम प्रोजेक्ट चेयरमैन है, वो संगम अध्यक्ष है, उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो चोरी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो राजस्थान में हम अपने स्तर पर करेंगे, लेकिन करवाएंगे नहीं सही ज़्यादातर। दे पानी का अभियान बहुत संस्थाएं चला रही हैं, देखो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन हर काम में मास्टर नहीं होती,
हमारा खेती का आंदोलन है, हम खेती का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन गंदे पानी के बयान को लेकर काम करेगी, हम उनका तहे दिल से साथ देंगे, उनका धन्यवाद करेंगे जो कर रहे हैं।